यूएन में योग दिवस पर होगी न्यू इंडिया की धूम। अमेरिका में 180 देशों के लोगों को योग कराएंगे मोदी। पीएम मोदी की मौजूदगी में 180 देशों के प्रतिनिधि करेंगे योगासन। यूएन हेडक्वार्टर से मेगा शो की तैयारी। 21 जून यानी योग दिवस पर न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। योग दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होंगे। इनमें डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर समेत कई तबकों के लोग शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। 2014 में पीएम मोदी के कार्यकाल के पहले ही साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। जाहिर है ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। यही नहीं, राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीशरे के गायन के लिए भारत में लोकप्रिय मैरी मिलवेन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूएन एचक्यू नॉर्थ लॉन में पीएम मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगी। मैरी को 23 जून को वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय डायस्पोरा कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom. यात्रा के शेड्यूल के मुताबिक 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वो इसी दिन राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन उसी शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में डिनर की मेजबानी करेंगे। भारत अमेरिकी संबंधों में ये खास बात देखने को मिल रही है कि दोनों देशों में सरकार किसी की हो, पार्टी किसी की भी हो, वे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जॉर्ज बुश हो या ओबामा या ट्रंप हो या फिर बाइडेन, संबंधों को उन्होंने तरजीह दी है। मोदी के पीएम बनने के बाद भी यह आशंका थी कि अमेरिका ने चूंकि उनको वीजा देने से इनकार किया था तो उसकी कड़वाहट दिख सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने बड़े ग्रेसफुल तरीके से उस बात को भुला दिया और अमेरिका से संबंध मजबूत करने की दिशा में जुटे रहे। दोनों ही देश संबंध प्रगाढ़ करने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के प्रधान उत्सुक हैं कि संबंध प्रगाढ़ बने तो भारत अमेरिकी संबंध नई ऊंचाई छुएंगे, यही उम्मीद की जानी चाहिए। अब आपका क्या कुछ कहना है पीएम मोदी के अमेरिकी यात्रा को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।